ये D-link का रूटर है, इसका मॉडल नंबर है, ये देखिए DSL 2750U। ये रूटर है, इसको मॉडम कैसे बनाना है, ये एक्सेस के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताता हूँ। का जो रूटर है उसको अपने वाईफाई मोबाइल के साथ कनेक्ट करो, जैसे कि ये मेरा कनेक्ट है। अभी इसका ब्राउज़र में जाओ, सीकरो में चले गए, यहाँ पे 192.168.1.1 ये D-link का IP है, इस पर यहाँ पे इसका D-link का पेज आ गया। यहाँ पे एडमिन पासवर्ड यूज़र नेम और लॉगिन किया। जैसे ही आप चले गए सेटअप विज़ार्ड में, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट कर दो। यहाँ भी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे मसला आ गया करने का, ये देखें ये DSL है, DSL को डिसकनेक्ट करके इंटरनेट पे क्लिक करना, और यहाँ पे ये PPOE यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे करना है डायनामिक IP, इसके बाद नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आ गया वाईफाई का जो भी नाम रखना चाहते हैं, ये देखिए मैं इधर नाम रख रहा हूँ साकिब, और ये नीचे आ गया वाईफाई का पासवर्ड WPA2, और यहाँ पे सिक्योरिटी उसकी जो भी वाईफाई के पासवर्ड रखना, मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रख दिया। ये रखने के बाद इसको नेक्स्ट करो, फिर इसको ये आ गया एडमिन यूज़र ने पासवर्ड, उसका अगर एडमिन चेंज करना चाहते हैं तो रख लें, नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दो, और यहाँ पे अप्लाई कर दो। कुछ देर के बाद ये सेटिंग सेव कर रहा है, जैसे सेव करेगा तो ये आपका जो राउटर है ये मॉडम में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसको एक्सेस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे DSL की पिन लगती है, वांटल की लाइन लगती है, वहाँ के साथ ही में पिन में अवासर की या रेडो की किसी का भी केबल लेके एक्सेस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं।